हेलो गाइस, सो मेरा नाम आकाश है और आप मेरे चैनल पे अभी अभी न्यू हैं तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सिर्फ ओनली लिनक्स के बारे में ही बताता हूँ और न्यू न्यू अपडेट्स लेके आता हूँ और एरर्स के बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम आकाश है और अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और अब फिर से बोल रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज हम इस वीडियो में कुछ न्यू लेके आया हूँ मैं। मेरे से एक सब्सक्राइबर ने मेरे बताया, बोला कि स्क्रीन के बारे में बताओ, वीडियो बनाओ। तो ठीक है, आज मैं बना रहा हूँ, कुछ न्यू है, मेरे को भी न्यू मिला तो बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली लिनक्स के बारे में, मैं ओनली यहाँ रेड हैट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब रेड हैट में ही मैं यहाँ पर रेड हैट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने चैनल पर सिर्फ ओनली रेड हैट के बारे में ही नहीं बताता हूँ, मैं हर एक लिनक्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो है क्या ये स्क्रीन, क्या है स्क्रीन, क्या है स्क्रीन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप टर्मिनल्स खोलते हैं, मैं एज अ प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेस्ट रहेगा आपको समझने में और बताने में, ठीक है। तो आपने टर्मिनल्स बहुत यूज़ करे हैं, ठीक है। तो टर्मिनल्स में क्या है कि आपने आपने कुछ इस तरीके से टैब्स में खोली होगी टर्मिनल्स, ठीक है, ऐसे लाइक, ठीक है। तो आप इसमें मूव कैसे करते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए आप ऑल्ट वन है तो वन, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री पे, फोर में तो फोर। आप मतलब मॉनिटर नहीं कर सकते एक साथ में कि मैं चाहता हूँ कि यार वन भी साथ में दिखे, ठीक है। आप मॉनिटर नहीं कर सकते यार एक ही साथ में, आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को अगर टू पे मॉनिटर करना है तो आप टू पे नहीं कर सकते डायरेक्टली वन पे रहकर, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ करने के लिए हम क्या स्क्रीन कमांड का यूज़ करते हैं। हम एक ही टर्मिनल के अंदर मैं मल्टीपल टर्मिनल्स ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक एक टर्मिनल यहाँ होगा, एक टर्मिनल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, ठीक है। हम ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम एक ही टर्मिनल पर रह के, मतलब एक ही सेशन पर रह के हम चारों टर्मिनल्स को, क्योंकि चार हैं तो मैंने चार ही बताए, ऐसा नहीं है कि चार ही खुलेंगे, आप जितने चाहे उतने खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पे ही रह के चारों को मॉनिटर कर सकते हैं, मैं चार बोल रहा हूँ, आप जितने खोल सकते हैं उतने खोल सकते हैं, आप आपकी मर्जी है, ठीक है। आप सारे मॉनिटर कर सकते हैं एक ही बार में, आपको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो यम इंस्टॉल, और यही स्टेप सेंटोस के लिए भी हैं। अगर आपको यूबोंटू में कैसे इंस्टॉल करना है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अदर लिनक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता है, और अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या एरर्स आ रहे हैं, कि कैसे इंस्टॉल करना है कैसे नहीं करना है, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो यम इंस्टॉल स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर आपकी रेड हैट की जो रेपोज हैं या पैकेजेस हैं, आपको उसी में ये पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ कोई और रेपोज जिट्रीज आपको इंस्टॉल करने की या मतलब लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको रेड हैट की डीवीडी में जो पैकेजेस हैं आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर शायद मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो ये इंस्टॉल ऐसे ही होगा, ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो रेड हैट में ये मतलब मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, रेड हैट में आपको मिल जाएगी और सैंटोस में भी आपको मिल जाएगी। तो सैंटोस में क्या, अगर वो आपको लोकल रेपोज में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको इंटरनेट के थ्रू ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अगर आप इसको मैन करके पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर कुछ अदर्स है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर है, जो भी आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो अब यूज़ कैसे करना है, ठीक है, स्क्रीन और एंटर, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम जब ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से खुलता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से ये पहला टर्मिनल हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अगर आप मूव करना चाहें तो आपको पता ही कैसे मूव करना है, ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, मैं एक ही टर्मिनल पर रह के मैं औरों चारों को मॉनिटर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, और उसमें मूव कैसे करना है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन ज़ीरो, यहाँ पर सेशंस ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब टर्मिनल्स के जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और जहाँ तक आप
ओपन करना चाहते हैं वहां तक ये ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन करके एंटर करोगे तो सबसे पहला स्क्रीन आपको जीरो से खुलेगा, ठीक है, ओपन होगा। और उसके बाद क्या है, अगर आप चाहते हैं कि और भी ओपन हो तो आप कंट्रोल ए, आप कुछ इस तरीके से ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब दूसरा सेशन मेरा इसके नीचे आए, मतलब दूसरा टर्मिनल मेरा यहाँ आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल ए देन शिफ्ट एस, ठीक है, दूसरा आ गया। बट मैं अगर चाहूँ तो मैं यहीं से ही सीडी कर सकता हूँ यार, अभी मैं दूसरे वाले पे कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी, ठीक है। अगर ये देखें कि ये तो जीरो है बट यहाँ पर ब्लैंक है, इसका मतलब है कि दूसरे वाले में अभी कुछ भी ओपन नहीं है, कुछ भी क्रिएट नहीं है, कोई भी टर्मिनल क्रिएट नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं कि दूसरे वाले टर्मिनल पे पहले मूव करूं और उसके बाद वहां पर एक क्रिएट करूं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वहां पर जाने आपको पहले वहां जाना पड़ेगा फिर वहां पर एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल ए मूव करने के लिए कंट्रोल ए देन टैप की, ठीक है। अब मैं मूव तो हो गया हूं, अब मूव करने के बाद क्या है, यहां पर अब हमको क्रिएट करना है कोड, ठीक है। तो यहां पर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल ए देन सी, अब यहां आप देख सकते हैं कि ये जीरो था अब ये वन हो गया, मतलब मैं यहां पर अलग वर्क कर सकता हूं और यहां अलग वर्क कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि मैं एक ही टर्मिनल पर बैठ के मैं यहां का भी मॉनिटर कर सकता हूं और यहां का भी मॉनिटर कर सकता हूं, बस मेरे को क्या है मूव करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। यहां पर कुछ और भी चीजें हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ही टर्मिनल पर रह के मैं दूसरे पहले वाले मैं मतलब मूव नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं जीरो वाला टर्मिनल यहीं लेके आ जाऊं, यहीं उसका काम कर लूं, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कंट्रोल ए करके एन की प्रेस करनी है, ठीक है। तो आप क्या अब जीरो वाले सेशन पे मतलब जीरो वाले टर्मिनल पे आप जीरो यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है, जो आप यहां करेंगे वो वहां पर भी चलेगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, ये जो टर्मिनल्स हैं ये एक सीएलआई मोड पे चलते हैं, जैसा कि आपने इनिट करके थ्री करेंगे तो ये उसी टाइप के चल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ और नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपर साइड में जाएं तो अपर साइड में आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक मतलब आप कमांड्स तो ऊपर की देख सकते हैं कि मैंने क्या यूज़ करी थी, बट आप ऊपर में मूव नहीं कर सकते, ठीक है, ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है। अगर आपको मैं बाद में बताऊंगा अगर आप मूव कर सकते हैं तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर अपडेट्स मेरे हाथ में आएंगे मेरे को पता चलेंगे। ओह गॉड, इन कुत्तों का मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यार अब यहाँ पर क्या करना है, अब मैंने तो दूसरा वाला क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ जीरो हैं, यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है। मैं कंट्रोल ए देन एन करूँ तो अब ये वन हो गया, अब मैं अदर काम कर सकता हूँ, यहाँ ये मेरा पहले वाला टर्मिनल आ गया तो मैं यहाँ एल एल कर सकता हूँ या एल एस कर सकता हूँ, ठीक है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, एफ डिस कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी एल एस पी सी आई करते हैं, ठीक है, ये मेरे पी सी आई की इंफॉर्मेशन पी सी की, ठीक है, या आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और कंट्रोल ए देन टैप की, मैं पहले वाले में आ गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे चार सेशंस हों और कुछ इस तरीके से हों कि पहला तो यहाँ है दूसरा इस तरफ में हो, और ऐसा ही आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तो है ही, यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, एक तो यहाँ है ही और एक यहाँ पर भी है, मतलब आप चाहते हैं कि पहला यहाँ हो, एक और यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, चौथा यहाँ हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल ए देन शिफ्ट के साथ पाइपलाइन वाली की, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ पर एक नया वाला टर्मिनल आ गया, यहाँ पर आप जाके आप यहाँ पर नया क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। कंट्रोल ए, यहाँ पर भी मूव करने के लिए आपको वही चीज़ यूज़ करनी है, कंट्रोल ए देन टैप, ठीक है। अब क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ए देन सी, ठीक है। यहाँ एक नया क्रिएट हो गया जिसको ज़ीरो था, ये वन था, ठीक है, देन टू था। अब देखा जाए तो पहले मैंने क्या करा था, पहले मैंने ये एक ओपन किया जीरो, पहले तो मैंने स्क्रीन कमांड की थी तो जीरो, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, शिफ्ट एस के साथ मैंने ये वाला क्रिएट किया था, ये वाला, ठीक है, इसलिए इसको वन मिला। अब मैं ऊपर में आके मैंने इस वाले को पाइपलाइन के साथ यहाँ पर मूव करके मैंने क्रिएट करा है कोड, तो इसलिए ये दो आया। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली यहाँ आए तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कंट्रोल डी देन, मैं इसको काट देता हूँ, कंट्रोल ए
और देन डी, डी की से आप इसको जितने भी आपके टर्मिनल्स ओपन है वो आप सारे काट सकते हो एक बार में, ठीक है। तो कंट्रोल, अब यहाँ पर स्क्रीन कमांड करते हैं हम फिर से, ठीक है। तो स्क्रीन जीरो, अब आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से हो, 1 2 3 4, ठीक है। तो कंट्रोल ए देन पाइपलाइन वाले की शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ चलते हैं, कंट्रोल ए, ठीक है, देन टैप की, अगर कंट्रोल ए देन सी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप क्या करना है हमको, कंट्रोल ए देन शिफ्ट एस, यहाँ पर एक और नया आ गया, ठीक है। ये 0 था, ये 1 आया, ठीक है, और 2 यहाँ होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए देन टैप की, कंट्रोल ए देन टैप की, कंट्रोल ए देन शिफ्ट के साथ एस, ठीक है, और ये 1, ये 0 1 2। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले में मूव करते हैं, कंट्रोल ए टैप, कंट्रोल ए देन सी, इसको 2 आया, और इसको 3, इसको 3 देना है। कंट्रोल ए देन टैप की, कंट्रोल ए देन टैप की, कंट्रोल ए सी, यहाँ सारा कंट्रोल ए का ही चक्कर है, तो याद कर लेना, हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। तो ये क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सेशंस कुछ इस तरीके से हैं, 0 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। आप यहीं से ही सारे टर्मिनल्स को, तीनों टर्मिनल्स को आप यहाँ से, चारों टर्मिनल्स को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी आपका वर्क चल रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उस वाले टर्मिनल पे कहाँ तक काम पहुँचा या वर्क पहुँचा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ, मेरे पास अगर कुछ न्यू अपडेट्स आते हैं इसके बारे में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा नई न्यू वीडियो बना के। तो इसके बाद मैं न्यू वीडियो में मिलता हूँ। और अगर आप न्यू हैं तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि यार वो और सारे लोग हों मेरे साथ। और कुछ टाइम के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक RSCS और RSCE की एक लाइव सेशन रखूँ। लाइव सेशन अगर मेरे मेरे साथ ज़्यादातर लोग होंगे तो मैं लाइव सेशन रखूँगा एग्ज़ाम का, कि उसको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको एग्ज़ाम कैसे देना है, ठीक है। तो मैंने सारा सेटअप कर रखा है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे मेरे को अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।